नमस्कार प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जो आपके सामने डबल ए ओ की वैकेंसी आई है, इसमें राजस्थान भूगोल का जो पार्ट आपने दिया हुआ है उस पूरे के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और इस सिलेबस को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले हर टॉपिक को थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और उसके बाद में बैक ईयर में किस किस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उनसे संबंधित चीज़ें के ऊपर भी आपसे डिस्कस करूंगा। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपके सामने सिलेबस पर डिस्कस करूंगा और उसके बाद में सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे नोट करवा करके, और फिर आज से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय। डायरेक्ट रूप से आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको सिलेबस नोट करवाता हूँ कि ये टॉपिक अपने सिलेबस में है, और जैसे ही ये समाप्त होते हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग जैसे पहला सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, झीलें, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट यानी हम लोग पढ़ने वाले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। यदि आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, तो हम लोग दोनों टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी किसी जगह कोई समस्याएं नहीं आने वाली है। फर्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पहला टॉपिक वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सामान्य परिचय, ये जो टॉपिक है वो आपकी सिलेबस में डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, सीधे आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बाकी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। सेकंड टॉपिक राजस्थान का भौतिक विभाजन, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो राजस्थान का सामान्य परिचय वाले टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भौतिक विभाजन या मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, बात एक ही, इस टॉपिक को चाहे इस तरीके से पढ़िए या वो हेडिंग बनाइए, राजस्थान का भौतिक विभाजन, ठीक है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक यानी इसी राजस्थान के भौतिक विभाजन वाला जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके दिमाग में आप लोग याद रखना कि हम लोग पढ़ेंगे पर्वत, माउंटेन, पठार, प्लेट्यू, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, डेजर्ट। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल का अध्ययन करेंगे, यानी हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, तो पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान का अध्ययन करेंगे। इसमें आपके एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, उसको हम लोग इसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ लेंगे। उसके बाद में तीसरा टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, एक एक चीज को आप बड़े साइंटिफिक तरीके से पढ़ो, और आपको मैं एक दावा, कमिटमेंट, वादा करता हूँ आपसे कि यदि आप मेरे साथ साथ में कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करोगे तो आपका जो एग्जाम है उसके अंदर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग राजस्थान भूगोल का बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जलवायु, जलवायु में भी आप एक चीज समझोगे, मानसून प्रणाली। मानसून प्रणाली यानी मानसून सिस्टम जो है राजस्थान में, किस तरीके से मानसून प्रणाली काम करती है, अरब सागरी मानसून कैसे आता है, बंगाल खाड़ी का मानसून कैसे आता है, भूमध्य सागरी मानसून से शीत ऋतु में वर्षा होती है, उन चीजों के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले। उसके बाद में थर्ड टॉपिक राजस्थान की जलवायु कंप्लीट होने के बाद में चौथा टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ, रिवर ऑफ राजस्थान, या आपके सिलेबस में इसको लिखा हुआ अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न। राजस्थान की नदियाँ, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ राजस्थान के नाम से
जाना जाता है। राजस्थान की नदियाँ, नदियाँ यदि सिलेबस में किसी के नहीं दिया हुआ था तो एक चीज लिखा होता है जिसका नाम है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, अफवाह तंत्र ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नदियाँ, नदियाँ के साथ में मोटे मोटे तौर पर हम लोग एक चीज़ और भी देख लेंगे, राजस्थान की झीलें, यानी कि जो पूरा राजस्थान का जल का सिस्टम है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का टॉपिक, राजस्थान में वनस्पति, राजस्थान में वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन के नाम से आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान में वनस्पति। इस वनस्पति वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके बाद में जस्ट फिफ्थ नंबर के बाद में सिक्स नंबर का टॉपिक आपकी, राजस्थान में वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ से दिया हुआ चीज़ है, राजस्थान में वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान, राजस्थान में वन्य जीव। वन्य जीव में जैसे हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, अभयारण्य, संरक्षण क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, पांच जंतुआलय है, दो रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की श्रेणी में उसकी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में सेवन्थ नंबर का टॉपिक हम लोग और आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है, राजस्थान में खनिज, मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान के नाम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो राजस्थान में खनिज का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आठवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में उद्योग, लेकिन जो आपके सिलेबस में पूरा कंप्लीट उद्योग वाला चैप्टर नहीं है, आपके सिलेबस में दिया हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी हस्तशिल्प उद्योग, ज़्यादातर चीज़ें आपकी दी हुई हैं, तो इसमें आप लोग हेडिंग बना लेंगे जैसे हस्त शिल्प उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नाम से सिलेबस में आपको पॉइंट। तो हम लोग जहाँ आपने सिलेबस में जो चीज़ दी हुई है हम लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। जैसे राजस्थान में कौन सा उद्योग आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो हस्तशिल्प उद्योग, तो हम लोग हस्तशिल्प उद्योग के बारे में बात करेंगे, राजस्थान में उद्योग। उद्योग के बाद में नाइन्थ नंबर का टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे, राजस्थान में कृषि, राजस्थान में पूरे कृषि वाले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और इसी के अंदर कृषि फसलें दी हुई है, मेजर क्रॉप्स इन राजस्थान, राजस्थान की मुख्य कृषि फसलों पे बात करेंगे। हालांकि आपका सब्जेक्ट ये रहा हुआ है कृषि और पशुपालन में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपने अपने जो 11th 12th में और उसके बाद में ग्रेजुएशन तक आपने किया, तो इसी को, लेकिन हम लोग जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि आपका जो एक सिलेबस है वो एक जगह पे व्यवस्थित रूप से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में नाइन्थ नंबर का ये टॉपिक पढ़ने के बाद में टेंथ नंबर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान की जनगणना 2011, राजस्थान की जनगणना 2011, राजस्थान की जनगणना 2011 को हम लोग इसी में जैसे राजस्थान की साक्षरता क्या है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान में जनसंख्या वितरण कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपके डाल रखेगी, राजस्थान की जनसंख्या और जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से चीज़ें लिख रखी हैं। उसके बाद में 11th नंबर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, मिनरल सॉरी पावर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, इसमें एक तो होती है परंपरागत ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के नाम से। उसके बाद में 12th नंबर का टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, राजस्थान में पशुपालन, लाइव स्टॉक इन राजस्थान, राजस्थान में पशुपालन। हालांकि आपने चीज़ें इसमें हारा कि सभी पशुओं की नस्लें आपको याद है, ज्ञात है, आप मेरे से इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोग जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, भारत की पहली पशुगणना कब हुई थी, किसने करवाई थी, प्रेजेंट में कौन से नंबर की हुई थी, पूरे भारत में जितने पशु पाए जाते हैं उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, पिछली पशुगणना से इस पशुगणना में कितने पशुओं की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, जो कमी हुई हो कितने प्रतिशत हुई हो, जो कमी हुई हो संख्या में कितने लाख में हुई, उस तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में राजस्थान में पशुपालन,
पशुपालन के बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे राजस्थान, राजस्थान की मृदा, सॉइल इन राजस्थान, राजस्थान की मृदा, सॉइल इन राजस्थान। उसके बाद में 14 नंबर का टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म इन राजस्थान। और उसके बाद में 15th एंड लास्ट टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान की जनजातियाँ। इसको चाहे तो कल्चर वाले सर पढ़ेंगे या फिर ज्योग्राफी में आप जिस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपके सामने जो सिलेबस है इसको मोटे मोटे तौर पर लिख दिया है, एक बार इसको डिस्क्राइब किया है, और इसी पैटर्न पर आप लोग चलते हुए ये सिलेबस के एक एक टॉपिक को उठा करके और हम लोग बहुत बेहतरीन और बहुत डीपली पढ़ेंगे, ताकि हमारे एग्जाम के अंदर परीक्षा में कहीं पे भी किसी भी जगह से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ लें, हमारा वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, मेन मोटो रहेगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और पहला टॉपिक आप लोग हेडिंग बना लेना राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान के नाम से शुरू करेंगे। और पहले इस टॉपिक की हम लोग ड्राफ्टिंग बनाएंगे, ये जैसे सिविल के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि RS मेंस में, RS प्री में जो बच्चे पढ़ते हैं और उस टॉपिक को किस तरीके से डिवाइड करते हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो उसी ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग बना लो राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। और इस टॉपिक को हम लोग कितने सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो जवाब दोगे 7 भागों में विभाजित करके, और इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, नदियाँ, कंपेरेटिव, ये टॉपिक थोड़े से बहुत बड़े बड़े रहते हैं, आप लोग मतलब एक बार में कोई चीज़ें आपको रोकनी है उसके बाद में व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाने, जो टॉपिक समाप्त हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेवेंट मैं आपकी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें जवाब देने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। राजस्थान का सामान्य परिचय वाला टॉपिक, इसे हम लोग 7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 7 सेक्शन में डिवाइड करके जैसे ही इसकी पहला जो पार्ट है उसका हम लोग अध्ययन करके पढ़ेंगे, कि राजस्थान का सामान्य परिचय में फर्स्ट चीज राजस्थान का नामकरण, नोमेन कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण, नोमेन कल्चर ऑफ राजस्थान। जैसे राजस्थान का नाम हम लोग बार बार राजस्थान बोल रहे हैं, तो वो राजस्थान शब्द है वो कहाँ से आया, किस जगह से उस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और इससे पहले राजस्थान को किस किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद में सेकेंड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान विश्व मैप पे किस दिशा में बसा हुआ है, भारत के मैप पर किस दिशा में और एशिया मैप पर किस दिशा में बसा हुआ है। आड़ी रेखाएं अक्षांश लेटिट्यूड कहलाती है, खड़ी रेखाएं देशांतर लॉन्गिट्यूड कहलाती है, और अक्षांश और देशांतरी विस्तार राजस्थान का क्या है, लंबाई चौड़ाई, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इस पे थर्ड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा,
राजस्थान की स्थलीय सीमा, लैंड बाउंड्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है, कितने राज्यों के साथ में लगती है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर की हेडिंग पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थापना। राजस्थान की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापना जब हुई 1 नवंबर 1956, उस समय 26 जिले थे, फिर 33 जिले हुए, और प्रेजेंट में राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है। तो ये किस किस तरीके से जिले बने, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल में बड़े जिले कौन से, छोटे कौन से हैं, और राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना किससे की जाएगी, यानी किन किन देशों के लगभग बराबर है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान की सभी जिलों को मिलाकर के आपस में संभाग बनाए गए, तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, डिविजनल सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान में 10 संभाग है, पहले 7 संभाग थे, और उन 10 संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में 6 नंबर की चीज हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम, राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम, सबनेम ऑफ राजस्थान रीजन, राजस्थान के क्षेत्रों के क्या क्या उपनाम है और उसे किस किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम, और राजस्थान के क्षेत्रों के उपनाम के बाद में अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान के ऐतिहासिक प्रदेश, राजस्थान के ऐतिहासिक प्रदेश, मतलब जिन क्षेत्रों को इतिहास में मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़ इन नामों से जाना जाता था, वर्तमान में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो ये पूरा एक ड्राफ्ट रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने का, यानी कि इस टॉपिक को हम लोग कितने सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, तो 7 सेक्शन 7 भागों में विभाजित करके इसका पूरा अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से पहली हेडिंग आप लोग बना लो, राजस्थान का नामकरण। ध्यान रहना चाहिए हम लोग पहला कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय, और राजस्थान के सामान्य परिचय को हमने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में, और जिसकी पहली हेडिंग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम होगा राजस्थान का नामकरण। फर्स्ट हेडिंग, राजस्थान का नामकरण, नॉमेन कल्चर ऑफ राजस्थान। नॉमेन कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो नाम राजस्थान है उसको किस तरीके से रखा गया, किस किस सेगमेंट में उसका निर्माण हुआ, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था जिसका नाम था मरुकांतार शब्द, मरुकांतार शब्द। जब राजस्थान का नामकरण हुआ तो राजस्थान के लिए बहुत प्राचीन समय में किस शब्द का इस्तेमाल होता था, तो जवाब दोगे मरुकांतार शब्द का प्रयोग होता था। मरुकांतार शब्द का प्रयोग किस समय में होता था, तो आपका आंसर होना चाहिए रामायण काल में, रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार कहते थे, मरुकांतार कहते थे। रामायण काल में राजस्थान को मरुकांतार कहते थे, यानी रामायण लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो जवाब दोगे वाल्मीकि। और आपसे प्रश्न पूछ लें कि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए
किस शब्द का उपयोग प्रयोग किया था? तो जवाब दोगे मरुकांतार शब्द का इस्तेमाल किया था, मरुकांतार शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद में राजस्थान को महाभारत काल में ही मरुकांतार शब्द के नाम से भी जानते थे। देखो महाभारत काल में भी राजस्थान को मरुकांतार कहते थे। महाभारत काल में भी राजस्थान को मरुकांतार कहते थे। उसके बाद में राजस्थान के लिए यानी शब्द से पहले, और एक बात आप ओरिजिनली नोट करके याद रखना, वास्तविक रूप से वर्तमान में जो मरुस्थल है उसे मरुकांतार कहते हैं, मरुस्थल को मरुकांतार के नाम से जाना जाता है। फिर बी पॉइंट बना के हम लोग, दूसरी जो राजस्थान के लिए शब्द आया वो शब्द था राजस्थानादित्य शब्द। यानी राजस्थान के लिए सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मरुकांतार। उसके बाद राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जवाब देना चाहिए आपको राजस्थानादित्य शब्द। अब राजस्थानादित्य शब्द सबसे पहले कहाँ पे मिला, किस जगह पे मिला? तो इसका सबसे पहले प्रमाण जो मिला था वो दूसरी शताब्दी के अंत में गोसुंडा या गोसुंडी अभिलेख में मिला। उसके बाद इस शब्द का व्यवस्थित प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया था। तो इस शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सॉरी इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग प्रथम बार प्रयोग गोसुंडी अभिलेख ब्रैकेट में लिखो चित्तौड़गढ़ की प्राप्ति किस जगह से हुई है? तो जवाब दोगे चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे पे हुई है। गोसुंडी अभिलेख में दूसरी शताब्दी में किया गया उसके बाद में राजस्थानादित्य शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सबसे पहले सिस्टमेटिक यूज जो हुआ वो हुआ था बसंतगढ़ शिलालेख में। तो इस शब्द का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग इस शब्द का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख जो लगा हुआ था वो लगा हुआ है खिमल माता मंदिर सिरोही। खिमल माता मंदिर सिरोही बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया यानी इस शब्द का सबसे पहली बार सिस्टमेटिक यूज कौन से शिलालेख में किया गया? तो जवाब दोगे बसंतगढ़ शिलालेख में इसका प्रयोग किया गया था। बसंतगढ़ शिलालेख में इसका प्रयोग करने के बाद में
तो इस वसंतगढ़ शिलालेख की प्राप्ति कब हुई थी? तो विक्रम संवत 682 और 682 जब विक्रम संवत से ईस्वी सन 57 साल पीछे चलता है, इसलिए 625 ईस्वी में इस शिलालेख की प्राप्ति हुई थी। तो नेक्स्ट, इसकी प्राप्ति विक्रम स्वंत, इसकी प्राप्ति विक्रम स्वंत 682 ब्रैकेट में लिख देना 625 ईस्वी में हुई, 625 ईस्वी में हुई। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले शब्द मिला मरुकांतर, उसके बाद में मिला राजस्थाना दित्य शब्द, उसके बाद तीसरे नंबर पे हेडिंग बनाओ राजपुताना शब्द, यानी राजस्थान के लिए किस शब्द का उपयोग या प्रयोग किया गया? तो जवाब दोगे राजपुताना शब्द, राजपुताना शब्द, राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो जवाब दोगे जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का सन 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से उपयोग किया था, इसने कहीं पे भी इसका लिखित इस्तेमाल नहीं किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी, याद रखना 1800 ईस्वी शुरू होने का मतलब है सदी सेंचुरी जो थी वो 19वीं शुरू हो चुकी थी, 19वीं सेंचुरी, सन 1800 ईस्वी ब्रैकेट में लिख देना 19वीं सदी में किया, 19वीं सदी में किया, लेकिन इसने जो राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया था वो सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से किया। इसका असिस्टेंट था विलियम फ्रैंकलिन, जिसने 1805 में बुक लिखी थी द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस, और इस बुक में राजपुताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किया गया था। एक पॉइंट बना के, इसने इस शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया, इसने इस शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग किया। उसके बाद देखो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक
द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस में किया? अपनी पुस्तक द द मिलिट्री ऑफ ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस में किया। तो राजपुताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका जवाब होना चाहिए विलियम फ्रैंकलिन था। इसने इस शब्द का प्रयोग 1805 ईस्वी में किया था। उसके बाद जिस शब्द का हम लोग बार बार उपयोग में ले रहे हैं उस शब्द का निर्माण हुआ, और जिस शब्द का हम लोग बार बार उपयोग में ले रहे हैं वो शब्द कौन सा है? तो जवाब क्या दोगे? राजस्थान शब्द। राजस्थान शब्द। और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड था। इसने 1829 में बुक लिखी थी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी बुक में इसने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा शब्दों का इस्तेमाल किया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में किया। 1829 ईस्वी में किया। 1829 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, ये इंग्लैंड का व्यक्ति था और मेवाड़ क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट बनकर के मेवाड़ आया और भीलवाड़ा में आकर के मुनि या यति ज्ञानचंद्र से मिलता है और मुनि या यति ज्ञानचंद्र को कहता है कि राजस्थान का इतिहास मुझे कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं राजस्थान के इतिहास को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिख दूं। तो फिर इसके लिए मुनि ज्ञानचंद्र इसको सजेस्टेशन सुझाव देते हैं कि तुझे एक काम करना है कि घोड़ा खरीद करके हर उस जगह पे जा जहाँ पे तुझे बड़े बड़े शिलालेख मिल जाएं या फिर जहाँ पे जो युद्ध हुआ या जो किला महल जगह बनी उसके बारे में उसका इतिहास लिखा हुआ है तो उसका तू संकलन करके यदि तुझे संस्कृत भाषा नहीं आती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को साथ में रख जो संस्कृत को हिंदी में बदल करके इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाने के लिए तेरा सहयोग करे। तो इसने यही किया और घोड़ा लेकर के हर उस जगह पे गया जहाँ पे उसको इतिहास की जानकारी इससे प्राप्त हुई। तो इसने ऐसा ही करके और राजस्थान का बहुत ब्रॉड रूप में इतिहास इसने लिखा 1829 में, जिस बुक का नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जेम्स टोड की पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी जो शब्द हमें चाहिए था उस शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। कौन सा शब्द हमें चाहिए था? राजस्थान। और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जवाब दोगे कर्नल जेम्स टोड।
1829 में उसने अपनी एक बुक लिखी, उसी बुक में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी बुक में इसने राजस्थान के लिए दो अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, रायथान एवं रजवाड़ा। इसी पुस्तक में रायथान एवं रजवाड़ा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया, रायथान एवं रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बाद में जेम्स टोड के गुरु के गुरु मुन्नी ओब्लिक यति ज्ञान चंद्र थे। मुनि ओब्लिक यति ज्ञान चंद्र थे। इसलिए याद रखना कि ये जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक है वो किसको समर्पित थी, तो आपका जवाब होना चाहिए मुनि ओब्लिक यति ज्ञान चंद्र को समर्पित थी। तो यह पुस्तक टोड ने अपने गुरु को समर्पित कर दी। उसके बाद में अब राजस्थान में इस व्यक्ति के कर्नल जेम्स टोड के उपनाम क्या है, तो घोड़े वाले बाबा और राजस्थान के इतिहास के पिता इस व्यक्ति को कहा जाता है। इसी व्यक्ति ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया, और ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अगला लिख दो, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा यानी जिनको शॉर्ट में GH ओझा कहते हैं, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। नेक्स्ट, जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, जेम्स टोड के उपनाम घोड़े वाले बाबा एवं राजस्थान इतिहास के पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। तो हमने किस किस चीज़ों का अध्ययन किया, क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पहुँचे, राजस्थान शब्द पढ़ा, राजपुताना शब्द पढ़ा, राजस्थान आदित्य और मरुकांतार।
राजस्थान का नामकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय वाले टॉपिक, इसको हमने 7 भागों में डिवाइड किया और इसी की पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है कंप्लीट, जिसका नाम था राजस्थान का नामकरण। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने राजस्थान ज्योग्राफी की जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में थी या है उसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान का स्थिति विस्तार कितना है और कहां से लेके कहां तक है। महाराणा प्रताप की पूरी टीम, चाहे भले हो जीके या फिर आपके सब्जेक्ट की हो, एक मजबूत, बहुत बड़ी मजबूत टीम है और इस टीम से यदि आप ये पूरा कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो मैं आपको एक कमिटमेंट, मैं आपको एक दावा दिलाता हूं कि आप लोगों का जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको आप बखूबी और बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। तो इसी आशाएं और शुभकामनाओं के साथ में मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस जो राजस्थान भूगोल का सिलेबस है उसको पूरे राजस्थान में हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप अपना जो सिलेबस है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते रहिएगा और बहुत जल्द आप राजकीय सेवा में अपनी सेवाएं देंगे, ऐसी मैं आपसे आशाएं करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।